हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल बीएससीबी हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज का लेसन टू, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। जो 10 क्वेश्चन आंसर है और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। और यहाँ सबसे पहले हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाला। ये आपके बुक में ही पहले से 10-10 लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो मैंने पहले इसे ही किया है आज। तो पहला क्वेश्चन है, Nobody is willing to do anything about ecology. Do you agree with the statement? ये कथन है जो आपकी कहानी से है और यहाँ कहते हैं लेखक कि कोई भी पर्यावरण के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है या इच्छित नहीं है, पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए इच्छा नहीं रखता है। क्या आप इस कथन से सहमति रखते हैं? तो सबसे पहले हम इसके उत्तर को देखें कि यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, हाँ मैं इस कथन से सहमति रखता हूँ। बिकॉज पीपुल प्रीच अबाउट इकोलॉजी, लोग पर्यावरण के विषय में बस कहते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है, प्रवचन देते हैं, बट एंड एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट, और हर व्यक्ति इसके पक्ष में भी है कि पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए, बट नोबडी इज़ प्रिपेयर टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इस विषय में कुछ करना नहीं चाहता। पीपुल डू नॉट कोऑपरेट विथ शो एंड सो अनविलिंगनेस इन दिस डायरेक्शन, लोग जो है साथ नहीं देते और साथ ही साथ अनिच्छा जाहिर करते हैं इस विषय में कार्य करने के लिए, ठीक है, वो साथ भी नहीं देंगे आपका और वो अनिच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, इस तरह से वो बहाने बनाएंगे। दे डू नॉट वर्क फॉर इट प्रिजर्वेशन, वो इसकी सुरक्षा के लिए कार्य नहीं करेंगे। मैनी पर्सन लाइक जिम अंडरटेक द वर्क फॉर इकोलॉजी बट नोबडी कम्स फॉरवर्ड टू ज्वाइन हैंड्स इन सच अ मिशन। बहुत सारे लोग, जैसे कि जिम था इस कहानी में, वो पर्यावरण के संरक्षण का कार्य का भार का जिम्मा अपने कंधे पर लेते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी उसके इस मिशन में, उसके इस कार्य में उसका साथ नहीं देता, उसके हाथों में हाथ जोड़कर वो उसके साथ काम नहीं करता कंधे से कंधा मिलाकर। वन कैन स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम होम बाय कीपिंग हिज होम एंड सराउंडिंग फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन बट नोबडी डज इट। कोई भी व्यक्ति यह काम शुरू कर सकता है अपने घर से ही, अपने परिवार को, अपने घर को स्वच्छ रखकर, अपने वातावरण को, आसपास की जगहों को सुरक्षित रखकर, साफ सुथरा रखकर और पॉल्यूशन से फ्री रखकर, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है। तो इसीलिए ये कथन बिल्कुल सच हो जाता है कि नोबडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, कोई भी पर्यावरण के विषय में कार्य नहीं करना चाहता है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस कहानी में बच्चों प्रश्न ही बहुत बड़े बड़े थे, इसके उत्तर भी उस हिसाब से ही हैं। दूसरा प्रश्न है कि बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट ए गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, ये आपके बुक के जो दूसरा पैराग्राफ है उसके एक लाइन है, उसकी एक लाइन है जिसमें कहता है किसी प्रकार से ऑन सैटरडे, सैटरडे के दिन, व्हेन आई कलेक्ट मतलब जब मैं संग्रह करने को निकलता हूँ, पैसे जमा करने को निकलता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मैं पर्यावरण के लिए उस दिन अच्छा कार्य करता हूँ। दिस इज़ द नरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, ये लेखक का तरीका है पर्यावरण को संरक्षित करने का। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग, आप किस प्रकार अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करते हैं ये बताइए। ये तो लेखक का तरीका हो गया, आप क्या करते हैं? तो देखिए हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हम इसका उत्तर को देंगे। सबसे पहले है, इन माय लोकेलिटी पीपल आर नॉट कॉन्शियस ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, हमारे आस पड़ोस में लोग जो हैं सजग नहीं हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। मैनी गार्बेज लाइक प्लास्टिक, डोमेस्टिक वेस्ट एंड पॉलीथिन बैग,
कैन बी सीन एवरीवेयर. बहुत सारे कचरे जैसे कि प्लास्टिक, घरेलू कचरे और साथ ही साथ जो है पॉलीथिन बैग जो है वो हर जगह देखने को मिल सकते हैं आपको, हर जगह ये मिलेंगे. सो आई अवेयर पीपल नॉट टू लिटर एंड आई माईसेल्फ वर्क फॉर क्लीनलीनेस ऑफ माई सराउंडिंग. तो मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि वो कचरा ना फैलाएं और साथ ही साथ मैं स्वयं सफाई के लिए कार्य करता हूँ जिससे मेरा आस पड़ोस स्वच्छ रहे. फॉर दिस पर्पस आई हैव टेकन अप द फॉलोइंग स्टेप्स. और इसलिए मैंने कुछ कदम उठाए हैं, निम्नलिखित हैं. पहला कदम, बाय मेकिंग पीपल कॉन्शियस ऑफ टू सेव इकोलॉजी, लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करके. दूसरा है, बाय अवेयरिंग नॉट टू पॉल्यूट वाटर एंड एनवायरनमेंट, लोगों को इस बात की जानकारी दे करके कि वो पर्यावरण को और पानी को, जल को दूषित न करें. तीसरा है, बाय ग्रोइंग ट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ उगाकर. और हमारा चौथा तरीका है कि ऑन संडे, मतलब संडे छुट्टी का दिन होता है, जिस दिन संडे है, आई अंडरटेक द वर्क ऑफ क्लीनिंग माई सराउंडिंग, उस दिन मैं अपने परिवेश को, आसपास के इलाकों को साफ सुथरा करने का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर यह कार्य करता हूँ. तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर. आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर. तीसरा प्रश्न है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी. ये भी एक कहानी का ही लाइन है जिसमें लेखक ये बात करते हैं कि मैं थक गया या प्रयास करते करते कि मिस ग्रीनी पर्यावरण के विषय में कुछ कार्य करें. ठीक है, उन्होंने बहुत समझाया था लेखक ने मिस ग्रीनी को ताकि वो पर्यावरण के लिए कुछ करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी ही नहीं. एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिस ग्रीनी एंड थ्रो लाइट ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग. तो जिम और मिस ग्रीनी के बीच का जो संवाद था, जो मीटिंग हुई, उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दीजिए और उनके मीटिंग का क्या परिणाम निकला, इसके बारे में चर्चा कीजिए. तो ये प्रश्न आपस में काफ़ी लंबा है, इसका उत्तर थोड़ा लंबा होगा, धैर्य से देखिएगा, समझिएगा. देखिए इसके उत्तर को. यहाँ है, जिम विजिट्स मिस ग्रीनीज हाउस फॉर कलेक्शन. जिम जो है मिस ग्रीनी के घर जाता है कलेक्शन के लिए. एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव हर सम आइडियाज़ टू प्रिजर्व इकोलॉजी. और वह उनकी उनको पर्यावरण संरक्षण के विषय में कुछ उपाय भी देता है. बट ऑन सीइंग जिम, लेकिन जब मिस ग्रीनी जिम को देखती हैं, मिसेस ग्रीनी स्कॉल्ड हिम फॉर थ्रोइंग गम रैपर एंड डायरेक्ट्स हिम टू पिक इट अप एंड पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग. तो मिसेस ग्रीनी उसे डांटती हैं क्योंकि उसने एक गम रैपर को फेंक दिया उनके बागीचे में और उसे कहती हैं कि इसे उठाओ और उसे एक प्लास्टिक बैग में डालो. शी एक्यूजेज हिम ऑल्सो टू गेट हिज डॉग अनटायर्ड. वो उसको, मिस ग्रीनी को उसके कुत्ते का को खोल सॉरी वो जिम को उसके कुत्ते को खुला रखने का भी दोषी मानती हैं कि उसने अपने कुत्ते को खुला रखा, काउजिंग डैमेज टू हर गार्डन, जिससे कि उनका गार्डन जो है वो ख़राब हो गया. ठीक है, जिम ने अपने कुत्ते को खुला रखा था, इसका दोषी वो उन्हें मानती हैं. मीनवाइल जिम सीज हर दैट शी इज़ पाइलिंग न्यूज़पेपर. और उसी समय जिम भी उन्हें देखता है कि वो न्यूज़पेपर का ढेर लगा रही हैं बिसाइड हर गार्बेज बैग्स. और वो कहाँ लगा रही हैं, अपने कूड़े के वही प्लास्टिक बैग्स के बगल में. ठीक है, ही एडवाइसेज हर टू सेव देम फॉर रिसाइकल. वो उन्हें सलाह देता है कि वो उसे रिसाइकल के लिए संभाल कर रखें. बट शी डज नॉट सीम टू बी सेटिस्फाइड विथ हिज सजेशन. लेकिन वो उसके सजेशन से, जिम के सजेशन से ज़रा भी संतुष्ट नहीं हुई. शी इमीडिएटली लेफ्ट हर हाउस. और उस समय वो घर से तुरंत बाहर चली जाती हैं. दिस शोज दैट मिस ग्रीनी डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर इकोलॉजी. और ये दिखाता है कि मिस ग्रीनी पर्यावरण के विषय में कोई भी कार्य नहीं करना चाहती. द आउटकम ऑफ द मीटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल डू नॉट अटैच इम्पॉर्टेंस टू इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. और इनके मीटिंग का यह परिणाम होता है, यह दिखाता है यह परिणाम कि कैसे लोग
पर्यावरण के संरक्षण से नहीं जुड़ना चाहते हैं, उससे दूर हटना चाहते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल वर्क फॉर इकोलॉजी, निश्चित यह कठिन है कि लोग पर्यावरण के विषय में कार्य करें। तो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्हाट इज इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? और व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट, आपने और आपके विद्यालय ने मिलकर क्या कदम उठाए हैं इसके सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए? तो इसमें देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे पहले कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि लोगों से पर्यावरण के विषय में कार्य करवाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए पहले प्रश्न का उत्तर कि येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं इस कथन से सहमति रखता हूँ। दैट इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यह कठिन है कि हम लोगों से पर्यावरण के विषय में कार्य करवा सकें। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ प्रिजर्विंग इट, हर व्यक्ति इसी संरक्षण के लिए इसके पक्ष में है। बट नोबडी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट्स क्लीनलीनेस, लेकिन कोई भी इसकी सफाई के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। इसमें और भी प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो इसके उत्तर को देखिएगा कि इकोलॉजी जब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ऐसे आप साइंस भी लिख सकते हैं कि इकोलॉजी विज्ञान की या बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एक शाखा है। दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड द एनवायरमेंट, जो सजीवों और पर्यावरण के बीच के संबंध को दर्शाता है। I have taken up the work to save ecology in my neighborhood on Sundays. और मैंने भी जो है संडेज को अपने पर्यावरण का साफ सुथरा रखने का जिम्मा लिया हुआ है। और whenever I get time, और साथ ही साथ संडे के अलावा जब भी मुझे उसके अलावा भी समय मिले तो उस दिन भी मैं यह काम करता हूँ। The headmaster of my school has taken a keen interest in the preservation of ecology. हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी जो है इस विषय में कदम उठाए हैं, उसमें उन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया है। ठीक है, देयर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन स्कूल, हमारे विद्यालय में बच्चों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए, शिक्षा देने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की यहाँ पर शिक्षा है, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। The school organizes campaign and many cultural programs for awareness, जागरूकता के लिए विद्यालय जो है कई सारे अभियान चलाता है और साथ ही साथ cultural programs भी कराता है जिससे कि लोगों को जागरूकता मिल सके। It encourages to keep the school premises and its surrounding clean, और यह हमें इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि हम अपने स्कूल के जो क्षेत्र है और साथ ही साथ उसके आसपास के इलाके को साफ सुथरा रख सकें। अगला प्रश्न है कि वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, व्हाट प्रॉम्प्ट्स द नरेटर टू डू सो, महिलाएं बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरण यूज़ करती हैं और किस बात ने लेखक को ऐसा कहने पर मजबूर किया? व्हाट डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न हाउ डज द यूज़ ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेज अफेक्ट इकोलॉजी, आज के आधुनिक यंत्रों का उपयोग किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करता है? तो उत्तर है कि एज द नरेटर ऑब्जर्व्स हिज मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, जैसा कि लेखक देखते हैं अपनी माँ को इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज़ करते हुए, इट प्रॉम्प्ट हिम टू से सो, और इसी कारण से वो ऐसी बात कहते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरण यूज़ करती हैं। मॉडर्न अप्लायंसेज अफेक्ट इकोलॉजी इन मैनी वेज, आधुनिक यंत्र जो हैं वो पर्यावरण को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ सच अप्लायंसेज पॉल्यूट एयर वाटर एंड लैंड, इस तरह के आधुनिक यंत्रों के कारण जो है हवा पानी मिट्टी सब कुछ दूषित होते हैं। दे यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्ट द इन्वायरमेंट बाई इमिटिंग हार्मफुल गैसेज, ये बहुत ज़्यादा विद्युत उपयोग करते हैं और उसके साथ साथ वो जो है कई तरह के हार्मफुल गैसेज छोड़ते हैं जिसके कारण पर्यावरण भी दूषित होता है। सच एज ए रेफ्रिजरेटर एज एंड ए सी इमिट्स सी एफ सी गैस विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर, होना चाहिए ऑफ लिखा गया, फॉर आवर ओजोन लेयर। तो जैसे कि आप बात कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर की या एसी की, ये सब जो है सीएफसी गैसेस छोड़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस छोड़ते हैं जो हमारे ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इस प्रकार से मॉडर्न अप्लायंसेज जो हैं वो हमारे इकोलॉजी के लिए भी हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है
कि डू यू थिंक दैट जिम इज़ अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय? क्या आपको लगता है कि जिम वास्तव में एक पर्यावरण प्रेमी लड़का है? गिव योर ऑन ओपिनियन, इसके विषय में अपनी राय दें। तो सबसे पहले, नो आई डोंट थिंक दैट जिम इज़ अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि जिम जो है एक पर्यावरण को पसंद करने वाला लड़का है। बिकॉज ही स्पीक्स अ लॉट अबाउट प्रिजर्विंग द इकोलॉजी, वो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बहुत कुछ बोलता है ना। आपने भी इस कहानी में देखा कि वो पर्यावरण के संरक्षण में बहुत कुछ लोगों को सीख देता है, बहुत कुछ बोलता है। एंड प्रीचेस एवरीबडी अबाउट इट, और सबको इसके बारे में शिक्षा देता है। बट ही हिमसेल्फ पॉल्यूट द एनवायरमेंट, लेकिन वह स्वयं पर्यावरण को दूषित करता है बाई यूजिंग हिज मोटर बाइक एंड स्नोमोबाइल ओनली फॉर फन। वो जो है अपना स्नोमोबाइल और मोटर बाइक यूज़ करता है सिर्फ मज़े के लिए। ही ऑल्सो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय वॉचिंग टी वी अलॉट, और वो साथ ही साथ विद्युत भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है टी वी देखने में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि डज जिम अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस इज बिंग क्वेश्चन्ड, एक्सप्लेन। क्या जिम इस बात को समझता है कि क्यों उसकी दी गई सलाह जो है हर कोई उस पर प्रश्न उठाता है? क्यों, क्या वो इस बात को समझ रहा है? तो उत्तर देखिए कि येस, जिम अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस इज बिंग क्वेश्चन। हाँ, जिम इस बात को समझता है कि क्यों सब उसी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं जब वो लोगों को सलाह देता है, तो क्यों लोग उस पर प्रश्न उठाते हैं। When he talks about ecological preservation, जब वो पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, to any other, किसी से भी, they ask another question in return, तो बदले में वही कोई दूसरा ही प्रश्न पूछ देते हैं। Because Jim himself does not follow the measures to preserve ecology, क्योंकि Jim स्वयं ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता। He has killed a little tree by jumping over it, wastes fuel and electricity by using motorbike and snowmobile and by watching television. उसने एक छोटे से पेड़ को मार दिया उसके ऊपर कूदने के कारण, साथ ही साथ वो जो है ईंधन और बिजली बर्बाद करता है क्योंकि वो मोटरबाइक स्नोमोबाइल सिर्फ मज़े के लिए और टीवी देखने के लिए जो है वो बर्बाद कर देता है ये सारी चीज़ें। तो वो किसी भी तरह से जो है इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय नहीं है, और इसीलिए लोग उस पर ही सवाल पूछने लगते हैं जब वो किसी को सलाह देता है कि आप ऐसे बचाइए पर्यावरण को, ऐसे समझाइए, ऐसे संभालिए, ये चीज़ें संरक्षित कीजिए, तो लोग उसी से बदले में सवाल पूछने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द ट्री रिफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन ने जिस पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा था, उस पेड़ का क्या हुआ? तो उत्तर है, द ट्री रिफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन हैज़ बीन किल्ड बाय जिम। जिस पेड़ की बात मिस्टर जॉनसन कर रहे हैं वो पेड़ मारा जा चुका है जिम के द्वारा, बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, क्योंकि उसने हर दिन उसके ऊपर कूदने का प्रयास किया। बाय ट्रेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीनीज हाउस टू मिस्टर जॉनसन हाउस, एक शॉर्टकट बनाया उसने मिसेस ग्रीनी के घर से मिस्टर जॉनसन के घर, और वही बीच में वो पेड़ पड़ता था और वो उसके ऊपर बार बार जंप मार कर आता था जिसके कारण उसके पैरों से ठोकर लगती थी और वह पेड़ जो है धीरे धीरे झड़ता चला गया और पेड़ आखिरकार मर गया। अगला प्रश्न है, इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, क्या जिम सभी बातों से अवगत था? Does he always practice ecological measures? क्या वह पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हमेशा किया करता था? तो give arguments in favor of your answer, अपने उत्तर के पक्ष में बयान दें। तो उत्तर है कि Jim is quite aware of all the aspects of saving ecology, पर्यावरण के संरक्षण के विषय में वो लगभग हर बातें वो जानता था। बट ही डज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर, लेकिन वो हमेशा उसके बचाव के लिए कार्य नहीं करता। जैसा कि कहानी की बीच में शुरुआत में आपने देखा कि सिर्फ सैटरडे को जिस दिन वो कलेक्शन के लिए निकलता था उसी दिन करता था। तो ही डज़ इट ओनली, वह यह केवल तभी करता था ऑन सैटरडेज, शनिवार के दिन। वैन ही गोज़ फॉर कलेक्शन, जब वो जमा करने के लिए कलेक्शन के लिए निकलता था। He awares everyone for preserving ecology. वह हर किसी को पर्यावरण संरक्षण के लिए बताता था, but he himself does not follow it. लेकिन वह स्वयं इसका पालन नहीं करता था. So, in my opinion, he is not an ecology friendly boy. इसीलिए मेरी राय में वह एक
पर्यावरण के लिए संरक्षण करने वाला लड़का नहीं है। और आते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ए हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे। हीरो या हीरोइन हमेशा घोड़े पर बैठकर नहीं आते किसी को बचाने के लिए, ठीक है। समटाइम्स द हीरो और हीरोइन मेयरली डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल फॉर एक्शन। कभी कभी हीरो और हीरोइन जो है वो सिर्फ यह दिखाते हैं कि उनके अंदर किसी काम को करने की क्षमता है, रेदर दैन टू कम्प्लीट दैन ए कम्प्लीटेड टास्क। वो उस कार्य को स्वयं पूरा नहीं करते हैं बल्कि वो दिखाते हैं कि उनके अंदर उस काम को करने की क्षमता है। मतलब वो लोगों को जागरूक करते हैं कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, हम कर पा रहे हैं, तुम भी कर पाओगे, ठीक है। What potential does Jim have as the hero in this story? इस कहानी में जिम एक हीरो की तरह है, तो उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं कि क्या वो अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित कर पाता है कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए, किस प्रकार क्या करना चाहिए, क्या वो लोगों के अंदर वो उम्मीद जगा पाता है। तो देखिए इसके उत्तर को कि जिम एज अ हीरो ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक ए मैसेंजर। इस कहानी में जो जिम है वो एक संदेश वाहक की तरह है जो कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश जो है लोगों तक पहुंचाता है। ही ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू प्रिजर्व द इकोलॉजी। उसके अंदर यह क्षमता भी है कि वो पर्यावरण की संरक्षण कर सकता है, बट ही डज नॉट डू इट हिमसेल्फ। लेकिन वह इसको स्वयं नहीं करता। ही इंस्पायर्स अदर टू वर्क फॉर इकोलॉजी। वह दूसरे को प्रेरित करता है कि आप पर्यावरण के लिए कार्य करें। वो स्वयं नहीं करता है। आपने कहानी में देखा कि वह स्वयं कार्य नहीं करता जबकि वह दूसरों को इसके लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए इस कहानी में जिम को एक हीरो का रोल दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज इस कहानी से जुड़े हुए सभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए। वीडियो काफ़ी लंबी 22 मिनट की बन गई है। तो आप जो हैं फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोशिश करें कि हर एक आप में से हर एक जो है अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर वो इस चैनल का लाभ ले सकें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है इस बुक को भी ख़त्म करें और साथ ही साथ आपके और शिक्षण के सामग्री को मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।